Assalamu alaikum. It's our second lecture of cytology. In this we will discuss about functions of carbohydrates. Last lecture mein aapne carbohydrates ka structure aur uske kuch functions dekhe the aur biomolecules ke bare mein discuss kiya tha. Is lecture ke andar aap dekhoge ki carbohydrates ke kya functions hain and what are the functions and structure of lipids. कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ऑर्गेनिक लाइफ जो है वो लाइफ होती है जो कि हेल्दी लाइफ हो. कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों के लिए ही एनर्जी का सोर्स है. इसके अलावा ये खुद तो एनर्जी देती ही है, लेकिन इसके अलावा ये डिफरेंट ऐसे कंपाउंड्स भी बनाते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स को बनाने में हेल्प आउट करते हैं जो कि बॉडी को फर्दर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. बहुत से ऑर्गेनिजम्स की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, मूवमेंट के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. कार्बोहाइड्रेट एनर्जी, जो सरप्लस एनर्जी होती है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, उसको स्टार्च की फॉर्म में सेव करते हैं. इसके अलावा डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो सेल्स के स्ट्रक्चर बनाते हैं. आपको पता है कि हमारी बॉडी, प्लांट्स, एनिमल्स, सब के सब डिफरेंट सेल्स से बने हैं, तो सेल के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को बनाने में कार्बोहाइड्रेट्स हेल्प आउट करते हैं. इसके अलावा सेलुलोज जो है वो प्लांट्स के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, क्योंकि प्लांट्स की सेल वॉल जो है उसके अंदर सेलुलोज का इम्पॉर्टेंट रोल है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है. इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो एज अ एंटीजन भी यूज़ होते हैं, जो कि इम्यून सिस्टम को हेल्प आउट करते हैं. इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स हेल्प आउट करते हैं डिफरेंट हॉर्मोन्स को प्रोवाइड करने के लिए. हॉर्मोन्स जो हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. इन दिस वे वी हैव सीन दैट कार्बोहाइड्रेट्स इटसेल्फ हैव डिफरेंट फंक्शंस इम्पॉर्टेंस, बट दे आर ऑल्सो help out in synthesizing other important compounds which are also a very important source of energy. इसके बाद हम देखेंगे what is the structure and function of lipids. Lipids are organic compounds and these are formed of hydrogen, carbon and oxygen. Means के जितने भी आप lipids को देखोगे उसके अंदर carbon, oxygen और hydrogen जो है वो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होंगे. इनसे ही, इन्हीं की चेन्स हैं नेक्स्ट जो हैं वो डिफरेंट कंपाउंड्स जो हैं वो बनेंगे. कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली जो हैं वो इतने ज़्यादा वाटर लविंग नहीं होते. हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं. हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग और हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर फियरिंग. मीन्स के जिनको वाटर, जो इतने ज़्यादा वाटर के साथ फ्रेंडली ना हो, जो इतना अच्छा रिएक्शन ना देते हो, तो जो लिपिड्स हैं बेसिकली वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, दे फियर फ्रॉम वाटर. बट कुछ ऐसे भी लिपिड्स होते हैं जो एम्फीपथेटिक होते हैं, और ये ऐसे लिपिड्स होते हैं जिनके स्ट्रक्चर में हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों एंड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं. मीन्स दे आर वाटर लविंग एज वेल एज वाटर फियरिंग. लिपिड्स डिफरेंट कंपाउंड्स का पार्ट होते हैं, जैसे कि फैट्स, ऑयल, स्टीरॉयड, वैक्सेस, इन सब का ये पार्ट होते हैं. प्रोक्रियोट्स और यूकेरियोट्स जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं और जो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दोनों के अंदर ही लिपिड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सेल मेम्ब्रेन बनाने में, प्रोटेक्शन में, इंसुलेशन में, इनर्जी स्टोरेज में, सेल डिवीजन में, रिप्रोडक्शन में, हर इंपॉर्टेंट एक्टिविटी के अंदर लिपिड्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है. Now we are going to discuss about structure of lipid. Lipids जो है वो basically triglycerides होते हैं. 10,000 से ज़्यादा जो है वो different types के lipids discover अब तक हो चुके हैं. Lipids itself भी काम करते हैं, और इसके अलावा ये proteins के साथ combine होकर भी different functioning में help out करते हैं. Lipids are smaller in size than proteins. इसके बाद हम इसके डिफरेंट एग्जांपल्स देखेंगे. फैटी एसिड्स हैं इसकी एग्जांपल. जितने भी कंपाउंड्स आप पढ़ेंगे, हर किसी के अंदर फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे आप. हर किसी का फंक्शनल ग्रुप एक दूसरे से डिफरेंट होगा, और फंक्शनल ग्रुप के जरिए ही हम पहचानते हैं कि कोई कंपाउंड कौन सा है. आइदर वो लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, वो कीटोन है, या एल्डो शुगर है, कुछ भी है, हर किसी का पता उसके
फंक्शनल ग्रुप से पता चलता है। तो फैटी एसिड्स के अंदर जो ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं COOH के साथ। स्टार्टिंग में आपने देखा कि लिपिड जो होते हैं वो वाटर लविंग नहीं होते। इन द सेम वे जब ये चेन बनती है कार्बोक्सिल ग्रुप्स की, तो वो वाटर में इनसॉल्यूबल होते हैं, मीन वो वाटर के अंदर इजीली हल नहीं होते। फैटी एसिड्स सेचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसेचुरेटेड भी हो सकते हैं। इस पे आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो जो सेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं इनमें और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स में बॉन्ड का फर्क होता है। सेचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर डबल कार्बन बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होता है। बॉन्ड की वजह से हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड में। तो ये आप इसकी डेफिनेशन के अंदर लिखेंगे। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल जो है वो भी एग्जांपल है लिपिड्स की, और लिपिड्स किसी भी मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करने में हेल्प आउट करते हैं, मीन्स उसके अंदर इनटेक, उसकी आउटटेक, इन सब चीज़ों को मैनेज करने में लिपिड्स जो है वो हेल्प आउट करते हैं। स्टीरॉल्स जो है वो भी एग्जाम्पल है लिपिड्स की, और ये प्लांट्स की मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे डिफरेंट फंक्शंस ऑफ लिपिड्स, कि लिपिड्स की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर इनका डिफरेंट रोल होता है। ये प्रोटेक्शन करने के लिए भी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा प्लांट की सेल वॉल को बनाने में हेल्प आउट करते हैं। इसके अलावा एनर्जी स्टोर करने में हेल्प आउट करते हैं प्लांट्स की, एनिमल्स की, और लिपिड्स जो है वो प्रोटीन्स के साथ भी फंक्शनिंग में हेल्प आउट करते हैं। प्रोटीन्स जो है वो हमारी बॉडी के लिए, प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो लिपिड अपनी फंक्शनिंग के साथ साथ प्रोटीन के साथ कंबाइन होकर डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। अगर एक लिपिड किसी भी सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है और आप उसकी फंक्शनिंग को चेंज करना चाहते हैं, तो आप उसकी जो कार्बन की चेंज है अगर उसको डिस्टर्ब कर दें या फिर उसका जो पोलर हेड है उसको छेड़ दें, तो लिपिड की फंक्शनिंग जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। मेम्ब्रेन्स की फॉर्मेशन के साथ साथ लिपिड डिफरेंट ऑर्गेनेल्स को बनाने में हेल्प आउट करते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, वेजिकल्स। इन सबको बनाने में, इन सब की फॉर्मेशन में लिपिड्स जो हैं वो हेल्प आउट करते हैं। सेल डिवीजन में हेल्प आउट करते हैं। लिपिड्स की जो एनर्जी है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों से डबल है, तो इनको कंज्यूम करने से जो एनर्जी आएगी वो डबल इफेक्ट शो करेगी। प्लांट्स के अंदर एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म्स दोनों के अंदर जो है वो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनकी ग्रोथ के अंदर। उसके अलावा सीड जर्मिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। जाइलम और फ्लोएम का प्लांट्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जाइलम फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फ्लोएम फॉर द कंडक्शन ऑफ फूड। दोनों के अंदर लिपिड जो है उनका इम्पॉर्टेंट रोल है, इम्पॉर्टेंट उनका कंपोनेंट होता है, उनकी फंक्शनिंग में हेल्प आउट करता है। इसके अलावा प्लांट्स के अंदर सिग्नलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है, डिफरेंट चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प आउट करता है, और इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स जो होते हैं प्लांट्स को उनके अगेंस्ट और डिफरेंट पैथोजेन इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। प्लांट के अंदर डिजीज के अगेंस्ट बैरियर बनाने में हेल्प आउट करता है। इसके अलावा विटामिन और इलेक्ट्रॉन कैरियर्स और बहुत से अदर ग्रुप्स जो के फंक्शनिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मेम्ब्रेन्स वगैरह, इन सब की फॉर्मेशन में लिपिड्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये बेसिकली हैं लिपिड्स के यूजेस, इसके फंक्शंस और लिपिड्स का स्ट्रक्चर, और इसके अलावा जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शंस। तो ये आपने इसके अंदर जो है वो माइनर से क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो भी याद करने हैं। लिपिड्स बेसिकली क्या होते हैं ये याद करना है। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक में क्या डिफरेंस होता है ये आपने याद करना है। और एम्फीफेटिक जो है वो लिपिड्स वो कौन से होते हैं ये याद करना है। इसके अलावा इनका टोटल नंबर कितना है, कितनी काइंड्स हैं ये याद करना है। इनके फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है ये देखना है, और इसके क्या क्या यूजेस हैं स्पेसिफिकली प्लांट्स के अंदर कौन से हैं, और इसके अलावा बाकी एनिमल्स, और ओवरऑल इसके कौन से बेनिफिट्स हैं, इसके कौन से फंक्शंस हैं ये आपने याद करना है।
तो ये आपको अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा एज अ स्ट्रक्चर और फंक्शन लिपिड का कंप्लीट पे आए तो आपने सारा लिखना है, अदरवाइज इसके अंदर से आपको 2-2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आ सकते हैं। सो दिस वॉज द लेक्चर ऑफ टुडे, अल्लाह हाफिज़।